जीकेएससी में फिर से आपका स्वागत है। मैं देखिए एक ये सेंटर ऐसी है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि कब से चल रही है और इसका बैक प्रेशर भी 250 करीब 230 प्लस है। बैक प्रेशर नहीं, स्टैंड प्रेशर इसको बोलते हैं, पर ये अभी चल रहा है तो इसको बैक प्रेशर बोलते हैं, फिर भी 230 है। इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को यही बता रहे हैं, छोटा वीडियो के माध्यम में बता रहे हैं कि ये एम्पियर लगभग 9-10 लेके एम्पियर चलता है, ठीक है। इसका जो कंप्रेसर है 9-9.5 और इसका बैक प्रेशर 130 होना चाहिए, ठीक है। फिर कंप्रेसर भी चल रहा है और इसका बैक प्रेशर भी नहीं है, वो स्टैंड प्रेशर की सैमसंग दिखा रहा है 220। इसमें क्या मसला हो सकता है? तो मसला ये है कि इसमें आपका कंप्रेसर क्या है, खराब हो गया है। क्यों, इसका वजह क्या? आप तो बोलिएगा कंप्रेसर सही है तो इसका चल भी रहा है कंप्रेसर, तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेसर चल रहा है और इसका सक्शन और डिस्चार्ज है, तो वो क्या होगा, सक्शन सही नहीं है, इसका पिस्टन खराब हो गया है। कंप्रेसर चल रहा है पर इस विराट लोड पे चल रहा है वो 3 एम्पियर। आप बोलिएगा गैस लीक है, पर मेरा तो गैस फुल है, यहाँ पे स्टैंड प्रेशर 230 मीडियम होना चाहिए तो मेरा गैस ओके है, फिर भी ये नहीं चल रहा है, तो ये हमारा पिस्टन की वजह से खराब है, तो इसमें हम लोग कंप्रेसर चेंज करेंगे। तो ये हमारा कंप्रेसर खराब है, इस तरह केस मिलेगा तो आप लोग क्या होगा, एम्पियर चलेगा, कंप्रेसर भी चलेगा, कि इसका आवाज़ भी अच्छा आ रहा है, कंप्रेसर चलने का भी आवाज़ आ रही है, जो नॉर्मल एसी होते हैं सेम इस तरह उस तरह भी चल रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, पिस्टन लोड पर नहीं चल रहा है, जो 8-10 एम्पियर लेके चलता है उस लोड के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो आपका ये सक्शन मान लीजिए 220-230 होना चाहिए तो वो सही है, नहीं है तो वो आपका खराब है, तो मतलब ये आपका पिस्टन खराब है, इसमें हम लोग कंप्रेसर बदलेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ जाओ चक्कर, तो आप लोग समझ गए इसमें पिस्टन खराब है।